आज हमें द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखें। शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के बराबर में क्या रखते हैं, जीरो, और हमारे एक्स के मान आ जाते हैं। पर द्विघाती बहुपद में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए द्विघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अगर इसके बराबर में हम जीरो रख भी दें, इसके बराबर में हम जीरो रख भी दें तो भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, तो एक्स का मान इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो ऐसे में हमें जीरो तो रखना है, लेकिन जीरो से रखने से पहले इसके गुणनखंड करना है। क्या करना है? अब ये गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड मतलब सरल, मतलब एक एक घात है, दो घात है ना, तो इसको अपन ने एक एक घात वाले दो खंडों में तोड़ दिया, एक एक घात वाले दो खंडों में तोड़ दिया। तो जब इन खंडों का हम गुणा करेंगे तो ये ही आ जाएगा, इसलिए इनका नाम क्या है? गुणन खंड। क्या नाम है? गुणन खंड। गुणा करके देखो, x का x में एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस दो में माइनस दो एक्स, माइनस तीन का x में माइनस तीन एक्स, माइनस तीन का माइनस दो में प्लस सिक्स। जुड़ेंगे घटेंगे, चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, तीन एक्स और दो एक्स पाँच एक्स, काहे के पाँच एक्स, बड़ी संख्या है माइनस, तो आंसर में भी देखो आ गया वही का वही, समझ में आया। लेकिन सर हमें कैसे चलेगा पता कि ये इसके गुणनखंड है? आपने तो लिख दिए हैं पेपर, हमें कैसे चलेगा पता? तो इसकी होती है विधि कि इसको गुणनखंडों में कैसे तोड़ें। पक्का कक्षा नौवीं में ही पढ़ी होगी, पढ़ी है, लेकिन कक्षा नौवीं में आप पे वैसे कितने लोग हैं वो पक्का पता है कि हम तोड़ दें गुणनखंड। अरे पीछे क्या देख रहा हूँ अपना बताओ, गुणनखंड तोड़ना पड़ा है कक्षा नौवीं में कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, नहीं बनता है। चलो मतलब लगता है, अरे हमें नहीं समझ में आ रहा कब प्लस ले रहा है कब माइनस, लगता है ऐसा। आ जाइए बेटे जल्दी से अंदर, जो भी है बाहर फटाफट आ जाइए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि लगता है कि नहीं लगता है कैसे तोड़ेंगे। तो सोचो इतने सारे बच्चे, कितने सारे, किसी के नब्बे, किसी के बानवे, और लोग कह रहे हैं गुणनखंड तोड़ने में पक्का कॉन्फिडेंस नहीं। ये फ़र्क है सिलेबस कराने में और चीज़ सिखाने में। तो सिखा रहा हूँ, अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप 10 मिनट मेरी बात सुन लेंगे। आपको क्या लोग कहते हैं सोचो, बोलते हैं सोचो, ऐसा तोड़ो ऐसा तोड़ो। आपको मेथड नहीं बताऊँगा, मेथड कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है, कैसे लोग गलती कर देते सब पूरा ध्यान से। और अगर आज समझ लिया तो हमेशा को हो गया, और आज नहीं समझे तो कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं। तो शुरू करें फिर। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे चार बहुपद लिखूंगा। कितने बहुपद? और ये चारों अलग अलग हैं, इन चारों के गुणनखंड भी अलग अलग टूटेंगे, लेकिन बच्चे इनको एक सा मानकर इनमें गलती करते। अपने पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सबसे अलग है, ताकि आप सीखें, मेरा काम सिखाना है। यहाँ पे चार लिखे हैं, और ये चार क्यों लिखे हैं? देखो सब में पाँच, सब में छः, पाँच छः पाँच छः पाँच छः, हाँ चिन्ह अलग अलग हैं, लेकिन इतना दीप नहीं सिखाया गया। ऐसे तोड़ो के गुणा करने पे छः आ जाए और जोड़ने पर पाँच आ जाए, ऐसे सुने हो तुम? कोई कंसेप्ट नहीं बताया गया, क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाई करने का? अब मैं आपको बताता हूँ असली चीज़ क्या, आप समझ लीजिए सबसे पहले। देखिए बच्चों, ये कहलाता है अचल पद। क्या कहलाता है? स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे और चीज़ को समझेंगे। ये क्या कहलाता है? अचल पद की हमें बताने हैं कि अचल पद में काय काय का भाग जाता है। छः में काय काय का भाग जाता है शुरू से, एक का, छः में इन चार संख्याओं से भाग जाता है, समझे? अब यहाँ पे क्या लगा है जो सुनेगा उसको हमें समझ आएगा, यहाँ पे क्या लगा है पक्का? अब बच्चों यहाँ पे लगा है प्लस, तो इसमें से दो संख्याएं चुनना है, सोचना नहीं है, चुनना है, जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए पाँच। अगर प्लस लगा तो जोड़ने पर पाँच, और माइनस लगा तो घटाने पर, और गुणा करने पर छह आना चाहिए। कोई भी दो संख्याएं चुन लीजिए आप, समझ में आ रहा कि नहीं? प्लस छः, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का प्लस ही लगा दिया, जो कहते हो यहाँ प्लस था तो जो कहते हो प्लस ही लगा दिया अपन ने। अब बोलिए दो और तीन, तो पहले तीन लिखेंगे फिर दो लिखेंगे, पहली बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे तीन एक्स और यहाँ लिखेंगे दो एक्स। समझ आया बच्चों को? नहीं आया?
भाव आ जाते हैं चिन्ह की बात। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या में भी क्या लगता है, प्लस। अब बचा ये चिन्ह, इसके लिए इसका गुणा करो, प्लस का प्लस में गुणा करोगे तो प्लस, टूट गया। नहीं आया होगा समझ में, मैथड नहीं आती समझ, सुन लीजिए मेरी बात, पॉसिबल है मैथड समझ में नहीं आती, चलता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से x क्या आ जाएगा, कॉमन, x प्लस तीन। इन दोनों में से दो क्या आ जाएगा, कॉमन, x प्लस तीन। x प्लस तीन, x प्लस तीन फिर से क्या आ गया, कॉमन। बचा क्या, x प्लस टू। टूट गए कि टूट गए, नहीं हो सकता, हो सकता नहीं आया वो समझ, चलता है। अब आएगा समझ में, आप लोगों को स्ट्रेस ना लें, ध्यान दे जरूरी है ना। तो टाइम देखना पड़ेगा, चलिए तो फिर से करें, सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, कोई रटना नहीं कुछ नहीं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस सिक्स। सबसे पहले छह में काय काय का भाग जाता है, फिर छह में क्या लगा बेटा, आप लोग काफी लोग तो हंसी कर रहे हैं, सुनते नहीं, ये मैंने बीच का था ना, देखो बाकी लिख लिया पूरे नंबर, लोग चिन्ह में कंफ्यूज होते काय काय, आप कुछ सोच रहे नहीं। चलिए छह में क्या लगा है, मतलब दो संख्याएं जोड़ो जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, पांच, और गुणा करने पे छह, तीन और दो, तीन और दो पांच, और तीन दो नहीं, तो पहले तीन एक्स लिखेंगे, पहले दो एक्स लिखेंगे, पहले लिखेंगे तीन एक्स, कि जो चिन्ह यहाँ होता है वही कायम होता है बड़ी संख्या। अब और क्या बचा वैशाली, दो एक्स। अब दो एक्स का चिन्ह डिसाइड करना है, माइनस इंटू प्लस, कोई दिमाग नहीं, कोई जोड़ना नहीं, कोई घटाना नहीं, इसमें से x क्या ले लेंगे, x माइनस तीन, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस दो, ध्यान दो माइनस दो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस इंटू माइनस, माइनस दो तीन छः, समझ में आया बच्चों, सब में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस तीन, x माइनस दो, नहीं आया सर, देखो ये कितना अलग है, ये कितना अलग, दिखने में पाँच छः ही, समझ में आ रहा है कुछ के नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है सर हमें आ रहा है, ऐसा नहीं है, समझना है, उस चीज को समझना है, तैयार, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ना, इसको क्या करना है, चलो बच्चों, छः में काय का भाग जाता है, एक का, दो का, तीन का, छः, अब छः में क्या लगा, अब जोड़ने पे पांच नहीं चाहिए, अब घटाने पे पांच चाहिए, समझ गए ना, छः में से एक गए पांच, तो यहाँ लिखा जाएगा छः एक्स, और यहाँ लिखा जाएगा एक्स प्लस इंटू माइनस, नहीं आया समझ, नहीं आया, x क्या ले लिया, x प्लस सिक्स, माइनस वन कॉमन, यहाँ माइनस दोनों में, तो माइनस वन क्या ले लिया, बचा x प्लस सिक्स, माइनस कॉमन लेने से चिन्ह माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, बदल जाता है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से प्लस का क्या हो गया था, माइनस, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, x प्लस सिक्स क्या ले लिया अपन ने, कॉमन, बचा क्या, x माइनस वन, ओके, देखिए अलग अलग आ रहे कि नहीं आ रहे, कितने अलग, किसी को समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, याद रखो ये सवाल कुछ भी नहीं है, सब वेस्ट है, टोटली वेस्ट है, अगर आपके गुणनखंड तोड़ते नहीं बने, और आज तक नौवीं क्लास तक नहीं बन रहे तो आगे भी नहीं बने, सीखना है तो सीख लो, सीख, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो आप फिर से तोड़ेंगे इसके, तोड़ देंगे नहीं तोड़ देंगे, वही कि वही आएंगे, वो तो वो नहीं आएंगे, वही तो माइनस, चलो देख लेते हैं क्या होता है, चलो अच्छा यहाँ पे साथ क्या लिखा है, छः, छः में एक का, दो का, तीन का और का। अच्छा छः में क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, फिर घटाने पर चाहिए पाँच, बोला कर उसे तो बनता नहीं, छः में माइनस लगा इसलिए घटाने पर, तो छः में प्लस लगा होता, कंसेप्ट सीख हुआ, चलो तो छः में क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पे सिक्स, 6x और x, समझ गए, अच्छा यहाँ माइनस, तो बड़ी संख्या में क्या रहेगा, माइनस, माइनस इंटू माइनस, हमारे x के लिए लिया x माइनस सिक्स प्लस वन कॉमन, x माइनस सिक्स, सब में से क्या कॉमन, x माइनस सिक्स, x प्लस, देखो सवाल अलग अलग आए, कुछ समझ में आया क्या दोस्तों, यहाँ पर एक द्विघाती बहुपद दिया गया है, x स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन, ताकि अपन को नया फील हो, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस, ठीक है लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है पांचवा लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस दस, इसके हमें क्या तोड़ने हैं, गुणनखंड, क्यों तोड़ने हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में क्या रखते हैं, जीरो, तो जीरो रखने के पहले
आप वर्णखंड तोड़ेंगे तो ही आंसर आएगा, ठीक है। तो वर्णखंड तोड़ने के लिए तैयार हैं सब लोग, हैं कि नहीं तैयार? चलिए तो तोड़ने के लिए तैयार है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा अपन को, ठीक है। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, दस में एक का, दो का, तीन का, पांच का, तीन का नहीं जाता है, पांच का और कोई तो सनत भैया मेहनत कपल पानी नहीं फेरना है सर की मेहनत, ठीक है। आराम से दस में क्या लगा है प्लस, इनमें से चुनना है, यहाँ वहाँ नहीं जाना, सोचना नहीं है, इतनी सी तो है, कोई दो चुन लो इनको जुड़ने पे क्या आ जाए सात। तो पहले क्या लिखेंगे पाँच एक्स, यहाँ पे पाँच एक्स बड़ी, यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या में प्लस लगेगा, पाँच एक्स और दो एक्स, अब बचा दो एक्स का चिन्ह, प्लस इनटू प्लस बनने लगा। तो अब एक्स क्या ले लेंगे, इसमें देखो एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर माने क्या होता है एक्स इंटू एक्स, और ये क्या लिखा पाँच एक्स, तो एक्स क्या आ जाएगा कॉमन, तो एक्स अपन ये वाला कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस पाँच। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। ऐसे यहाँ से दो एकम दो, दो पंचे दो कॉमन, एक्स प्लस पाँच। समझ आया बच्चों एक्स प्लस पाँच क्या आ गया, एक्स प्लस टू, सही है। अब लिखेंगे बहुपद की शून्य ज्ञात करने के लिए, क्या करते हैं हम बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, हाँ बराबर में क्या रखते हैं जीरो, क्या रखते हैं तो x प्लस फाइव बराबर जीरो, x प्लस टू बराबर जीरो, ठीक है। अब x बराबर माइनस फाइव, x बराबर आ गए द्विघाती बहुपद कितने शून्य होते हैं दो, समझ में आया। आप लोगों ने नाइन्थ में किया है पहले कि नहीं किया, किया है कि नहीं किया, किस किस ने किया, गोल्डन खान तोड़े शून्य नहीं निकाल। चलो अब मैं तुम्हें कुछ पूछता हूँ, पूछूं बच्चों ये मुझे समझ में आया बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर में क्या रखते हैं जीरो, ये बहुपद था हमने इसको ऐसा बना लिया, इसके बराबर में क्या रखा जीरो, इसके बाद हम लिखते हैं x प्लस पाँच बराबर जीरो और x प्लस दो बराबर, ये कैसे हो गया दो के बराबर जीरो अलग अलग कैसे हो गया, दोनों में लगा दिया कहाँ था दोनों बराबर में, एक के बराबर था जीरो, दोनों के बराबर क्यों लगा, अब सुनो यही तो बता रहे हैं ध्यान से देखो, आपको कोई भी दो संख्याएं बोलनी है और गुणा जीरो आना चाहिए, कोई भी दो संख्याएं बोलो, पांच दो, पांच दो नहीं, हाँ तो जीरो दो, बिल्कुल सही, जीरो इंटू टू क्या होता है जीरो, छह इंटू जीरो एकदम सही जीरो, और बताइए हाँ पांच इंटू जीरो एकदम सही, जीरो इंटू जीरो जीरो एकदम सही, बोलिए बोलिए आप रुकिए मत बोलिए, जीरो इंटू थ्री बराबर जीरो, और बताइए। अब आप देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि जीरो है तो उनमें से कम एक संख्या जीरो, और दोनों भी हो सकती है वैशाली, पर कम से कम एक संख्या जीरो अवश्य होगी। अब यहाँ पे इनका और इनका गुणनफल क्या है जीरो है, तो इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो, समझे इसको लिखते ही लोग समझ नहीं आता। इसके बाद ये ऐसे आया कि चूंकि इन दोनों का गुणनफल जीरो है इसलिए या तो ये जीरो होगा या तो ये, इसलिए दोनों के मैं अलग अलग जीरो लगा दिए हैं, क्या आपको समझ में आया। तो ये कोई पूछेगा नहीं, सब रख लेते हैं ऐसा, इसके बाद ये करना, लेकिन आपको तो पता है ना, पक्का समझ में आया कि नहीं आया। तो कोई पूछेगा यार इस दोनों के इनटू में जीरो लगा था ये अलग अलग क्यों है, तो उनको बताना कि अगर इसका और इसका गुणनफल क्या है जीरो, तो दो संख्याओं का गुणनफल तभी जीरो होता है जब उनमें से कम कोई एक संख्या क्या हो जीरो। तो हमें तो पता नहीं इन दोनों में से कौन जीरो, तो हम लिख रहे हैं एक्स प्लस पाँच जीरो होगी या एक्स प्लस दो जीरो होगी, एक्स प्लस पाँच जीरो होगी या एक्स प्लस दो जीरो होगी, समझ में आया किसी को नहीं आया।
तो बेटा जितने भी आपके मित्र हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनसे आप जरूर पूछे, जरूर ध्यान दें कि भाई ये बनता है कि नहीं बनता है। चलिए आगे चलेंगे और बताएंगे बेटा, दिया गया द्विघाती बहुपद है। बोलिए अगला सवाल, बोलिए जल्दी बोलिए, समय नहीं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, सही है बच्चों? ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? यहाँ क्या लिखा है, तीन में काय का भाग जाता है और कोई है ही नहीं। अब इन दोनों में से क्या चुने, अब वो तो है, फिर भी अपन 4x जोड़ने पे आएगा, 3x और x कितना 4x, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, वो तो माइनस तो लिखा ही है, 3x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझ गए, x नहीं लिखेंगे, अब और क्या लिखेंगे, x, 3x और x 4x लिखेंगे, समझ गए, x क्या आ गया, x माइनस 3, माइनस 1 क्या आ गया, कॉमन, x माइनस 3, सब में से क्या कॉमन, x माइनस 3, x माइनस 1, क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बहुपद के बराबर में क्या रख देंगे, 0, और अब अगर इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0, तो या तो x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, सो x बराबर 3 या x बराबर 1, तो दो शून्य हो गए x बराबर 3 और x बराबर 1, सबको समझ